सो ए नमस्कार दोस्तों, वेलकम मैं आप सब दोस्तों को टेक्निकल सारी का यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस काफ़ी अच्छी न्यूज़ आ चुकी है आप सभी WCC3 लवर्स के लिए। जी दोस्तों, इस गेम के अंदर आप सब लोग को एक या फिर दो दिन के अंदर एक न्यू अपडेट देखने मिलने वाला है। इस वीडियो के अंदर आपका भाई डिटेल के साथ बताने वाला है इस न्यू अपडेट के अंदर कौन कौन से फीचर्स आने वाले हैं, क्या कुछ चेंज होने वाला है। और दोस्तों काफ़ी अच्छी बात है कि ये जो अपडेट है बहुत ही जल्दी एक या फिर दो दिन के अंदर आपको मिलने वाला है। और ये जो अक्टूबर का मंथ है वो एक मेगा अपडेट होगा, ये एक छोटा सा अपडेट होगा। और इस अपडेट के अंदर क्या होने वाला है, कंपनी क्यों अपडेट दे रही, सब कुछ वीडियो के अंदर डिटेल के साथ सब कुछ बताने वाला हूँ। इसलिए वीडियो को जरूर एंड तक देखना, वीडियो बहुत ही खास है आप सभी WCC3 लवर्स के लिए। बाकी वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक जरूर से कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर देना। तो चलिए दोस्तों आज की समझिंग इंटरेस्टिंग वीडियो कर लेते स्टार्ट, लेट्स गो। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको क्लियर करा देता हूँ, ये जो WCC3 का न्यू अपडेट आने वाला है ये एक छोटा सा अपडेट होने वाला है। और जो अक्टूबर के मंथ में अपडेट आएगा वो एक बिग एंड फीचर्स वाला अपडेट होगा, ये जस्ट एक छोटा सा ईस्ट पोस्ट अपडेट होने वाला है। जी दोस्तों, इस न्यू अपडेट के अंदर गेम के अंदर बस छोटा सा जस्ट चेंज होगा, एक ईस्ट पोस्ट टूर्नामेंट है जो कि ऑर्गेनाइज किया जा रहा है ताइवान की तरफ से, जो कि गेम के अंदर ऐड किया जाने वाला है। जस्ट सिंपल सा, इस अपडेट के अंदर कोई फीचर्स वगैरह नहीं, जस्ट एक ईस्ट पोस्ट अपडेट होगा। तो आप कुछ एक्सपेक्ट मत करना, बाकी अपडेट आपको एक से दो या फिर तीन दिन के अंदर से भी का आपको डेफिनेटली मिलने वाला है। और ये टूर्नामेंट अपडेट होगा और इसका जो टोटल प्राइज है लगभग 12 लाख है, ये 12 इस टूर्नामेंट का टोटल प्राइस 12 लाख है। और आपको जो है इस मतलब गेम के अंदर आपको ये जो टूर्नामेंट है मिलने वाला है और इसके लगभग दो या फिर तीन ऐसा कुछ राउंड होने वाला भी कुछ कंफर्म तो है नहीं, मुझे पता नहीं है। बाकी यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो जो उसका जो फर्स्ट प्राइज होगा वहाँ पर आप लोग 1 लाख रुपये मिल जाएंगे, और उसके जो सेकेंड प्राइज़ उसके 50,000 होगा, और जो थर्ड प्राइज़ है उसके 25,000, और जो फोर्थ प्राइज है उसका भी 25,000 होगा। मतलब कि ये जो अपडेट आएगा उसके अंदर तो गेम के अंदर जैसे आपको रेड बुल का जो कुछ टूर्नामेंट हुआ था गेम के अंदर ऐड किया था कंपनी ने, ऐसा ही कुछ ये होगा। अपडेट आने के बाद कंपनी इसको गेम के अंदर जस्ट ऐड कर देगी, उसके बाद आपको गेम के अंदर जाके इसको रजिस्ट्रेशन वगैरह करना पड़ेगा। आपको रजिस्ट्रेशन कैसे, उस टूर्नामेंट में करने के बाद आपको डेली जो है क्विक मैच वगैरह खेलना पड़ेगा। उसका जो टॉप 10 का लीडर बोर्ड होगा उसके अंदर से कंपनी आपको सेलेक्ट करेगी कि आप इस टूर्नामेंट के अंदर जाओगे या फिर नहीं। उसके बाद जो मैचेस वगैरह होने वाले हैं कहाँ पर होंगे, मुंबई ऐसा कुछ सुना है, तो वहाँ पर कुछ मैचेस किए जाएंगे रियल प्लेयर के साथ में, जो लीडर बोर्ड में टॉप होंगे उनमें से कुछ ही बंदे साथ सिलेक्ट होंगे इस टूर्नामेंट के अंदर। और आपको बस सिंपल से जाके अपडेट आने के बाद गेम के अंदर ये टूर्नामेंट का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको जो है रजिस्टर करना। और बाकी दोस्तों इस अपडेट में ज़्यादा कुछ खास नहीं, जैसे एक ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट होगा और जो कि कंपनी ऐड करने वाली है। बाकी जो मेगा अपडेट होगा आपने आपके भाई ने वो पहले ही बता दिया कि वो अक्टूबर के मंथ में आएगा और उसके अंदर आपको फीचर्स मिलेंगे। ये जस्ट एक ईस्ट पोस्ट अपडेट होगा जो कि ताइवान की तरफ से ऑर्गेनाइज किया जाने वाला है WCC3 गेम के अंदर। तो दोस्तों होप आपके सब कुछ डाउट क्लियर हो गए होंगे टोटली। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। तो दोस्तों मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक लिए बाबा गुड बाय, जहन वंदे मातरम।